भाई रोनाल्डो चला गया। हाँ, और मैं पता ही कोई इतनी फनी वीडियो नहीं थी। और कैसे होगी यार, हमारे आइडल, हमारे क्रिस्टियानो, हमारे गोट निकल चुका है वर्ल्ड कप से, उसका ड्रीम ओवर है। किसी हिसाब से फनी नहीं हो सकती है। हाँ तो भाई साहब, कैसे तुम सब लोग, उम्मीद करता हूँ परेड संग। पता नहीं खैरियत से हो गए भी या नहीं, कोई हो खैरियत से या ना हो, हम तो ठीक नहीं है भाई। क्या हुआ ये? हाँ वही हुआ जिसका डर था। पोर्चुगल आउट। वैसे जो बात है कि पोर्चुगल आउट होने से किसी को इतना कोई दुख नहीं पड़ता जितना इस बंदे के जाने से दुख होता है। बंदे का लास्ट वर्ल्ड कप था यार। वैसे हर कोई यही कहता है कि हर कहानी का एक अच्छा एंड होता है, हैप्पी एंडिंग जिसे कहते हैं, मगर एक अच्छी कहानी का ऐसा एंडिंग कैसे? यार किसी के भी साथ हो जाता है, मगर रोनाल्डो के साथ ये सब नहीं होता। हु वुड हैव थॉट। खैर ये चीज़ें साइड पे, मोरक्को वेल डिजर्व, और टू बी फेयर नाइन्टी नाइन परसेंट खुश हैं हम, ताकि ये फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है, ये फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है जो कि वर्ल्ड कप में इतना दूर गया, जो कि एक फख्र की बात है, इट्स अ प्राउड मोमेंट। और होना भी चाहिए यार, फख्र होना भी चाहिए। बहुत कम ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स लेते हैं, जैसे सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा के एक अचीवमेंट ली, और उसके बाद एक मतलब एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद अब पहले कतर ने सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री का वो होस्ट किया, ये भी एक अचीवमेंट है मुस्लिम्स के लिए। और अब मोरक्को बीटिंग बिग टीम्स थ्रू आउट देयर वे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है वर्ल्ड कप कल। और अब समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें कि मोरक्को ने पोर्चुगल को हरा दिया। हाँ यही है, सच यही है, हम सबको निगलना पड़ेगा, हम सबको हजम करना पड़ेगा ये बात, और सबको हजम करनी पड़ेगी ये बात, और वी हैव टू। खैर देखते हैं आज के मैच में हुआ क्या था। सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू मोरक्कन टीम यार, वेल डिजर्व। तो भाई किसने सोचा था ये होगा, पर हो गया। रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप था, उससे पहले अब बात करते हैं हम इन लेजेंड्स के, जो जिनके लास्ट वर्ल्ड कप है, ठीक है? तो नेमार, उसका लास्ट वर्ल्ड कप था, और उसके साथ जो कल हुआ क्रोएशिया और ब्राज़ील वाले मैच में, इन दो के बंदे ने वन ऑफ द बेस्ट गोल मारा अभी तक के वर्ल्ड कप में। ऑलमोस्ट 5 से 6 डिफेंडर्स गोल कीपर समेत सबको ड्रिबल करके गया और गोल मारा टॉप कॉर्नर, और वन ऑफ द बेस्ट गोल्स है। ब्राज़ील और ब्राज़ील के प्लेयर्स और बेस्ट गोल ना मारे तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। और काफ़ी अच्छा मैच भी, शुरू में तो मैं समझ रहा था कि क्रोएशिया को धो देगी ब्राज़ील, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा वैसा नहीं होता जो आप सोचते हो, जैसा कि आज हुआ। तो वैसे ही क्रोएशिया ने रोक के रखा ब्राज़ील को भाई, और हालांकि ब्राज़ील कोशिश कर रही थी, वो सबको दिख रहा था, और जो नेमार ने गोल मारा उसके बाद तो भाई अलग ही फीलिंग आने लगी, मगर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पेटकोविच, उसने मे बी आई कैन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नंबर फॉर हिज करियर, उसने मारा है, और 118वें 117वें मिनट में इक्वलाइज कर दिया, जो कि अनबिलीवेबल थिंग है, अनबिलीवेबल थिंग है। मगर
अब तो आदत सी है, क्योंकि हम सब ने देखा जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट है, अपसेट पे अपसेट, अपसेट पे अपसेट, अपसेट पे अपसेट। तो अपसेट पे अपसेट आ रहे थे, और अब इतना कोई दुख तो हो नहीं रहा, मगर कल ब्राज़ील ने काफ़ी अच्छा खेला था, और क्रोएशिया ने उससे भी ज़्यादा अच्छा खेला था। उस क्रोएशिया ने उस ब्राज़ील वाले मैच से पहले भी एक मैच जिनका इनका हुआ था अगेंस्ट जापान, उसके बाद एकदम से बड़ी टीम ब्राज़ील उनसे पेनल्टी भी जीत गया, जो कि अनबिलीवेबल है। बट जो हो गया सो हो गया। नेमार भाई का भी लास्ट वर्ल्ड कप था, और वो भी रो पड़े ऑब्वियसली यार, रोना तो था, कोई खुश तो नहीं होगा। और यार मज़ा आया कल वाले मैच में, और उसके बाद आज वाले मैच में उतना ही दुख हुआ। कल दुख हुआ था नेमार के लिए, मगर एज अ मैड्रिड फैन मॉड्रिड के लिए बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरी प्रिडिक्शन थी लास्ट गेम पे कि 4-1 हराएगी पोर्चुगल इनको, मोरक्को वालों को, मगर हर बार वैसा नहीं होता जो आप सोचते हो, तो बिल्कुल वैसे ही बात, और मोरक्को ने हरा दिया पोर्चुगल को। यार अब बात करते हैं पोर्चुगल और मोरक्को की, यार क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रही। पोर्चुगल एक ऐसी टीम जो जिनके प्लेयर्स टॉप टॉप लीग टॉप टॉप क्लब्स में खेलते हैं। आप देख लो डियोगो कोस्टा, डियोगो कोस्टा वुल्फ की टीम है जो प्रीमियर लीग में खेलती है, उन टीम में से खेलता है। उसका कैंसिल जो कि मैनचेस्टर सिटी में खेलता है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हम सबको पता है उसकी प्रोसेस कैसी है। उसके बाद रूबेन दियाल, वो भी एक मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर है, स्टार्टर है मैनचेस्टर सिटी का, और वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और टॉप डिफेंडर्स में आता है। उसके बाद पेपे, वन ऑफ द एक्सपीरियंस डिफेंडर्स, और जो जो उन्होंने मैड्रिड में उखाड़ा हम सबको पता है, तो वो भी एक बहुत तेज तगड़े और एक्सपीरियंस प्लेयर और लीडर ऑफ द डिफेंस लाइन। उसके बाद डियागो डालो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का वन ऑफ द की प्लेयर स्टार्टर, और उसके बाद मिडफील्ड पे आए इनकी रूबेन डियाज, उसके मिडफील्ड पे आए ब्रूनो फर्नांडेस, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, बर्नार्डो सिल्वा, वो भी नंबर 10 है मैनचेस्टर सिटी का, वो भी वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद रूबेन नेवेस, वो भी वुल्वरहैम्पटन का मेन प्लेयर और स्टार्टर है। उसके बाद अब अटैक की बात करें, जोआ फिलिक्स एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर है, जो कि एक और लालीगा में वन ऑफ द टॉप लीग्स में खेलती है। उसके बाद राफायल लियाओ, उस एसी मिलान की टीम का हिस्सा जो कि अभी फॉर्म में है, और वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स राइट नाउ। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो बाद में आया। उसके बाद गोंचालो रामोस वो बंदा जिसने लास्ट मैच में जो कि उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच था उसमें हैट्रिक मार दी, और उसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीडर्स कोर्ट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उसके बाद भी हार गए। ऐसी टीम्स है जिनके पास 2 से 3 प्लेयर्स हैं, अशराफ हकीमी प्लेइंग फॉर PSG, ठीक है, और अमराबाद, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सी टीम में खेलता है, कौन सी क्लब में खेलता है। उसके बाद हकीम जिया चेल्सी में खेलता है। उसके बाद इस मोरक्को टीम में दो प्लेयर और उभर के आए हैं, एन नेसेरी और यासीन बोनो। भाई क्या गजब का कीपर है कसम से यार, इतने मतलब वर्ल्ड कप की खासियत है, वो आपके सामने नए नए प्लेयर्स उभर के आते हैं, नए नए यंगस्टर्स, नए नए टैलेंट्स उभर के आते हैं, और ऐसे ही हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। मगर 3 ऐसे लेजेंड प्लेयर्स के साथ ही क्यों जिनके लास्ट वर्ल्ड कप है। रोनाल्डो आउट हो गया, आई कॉन्ट बिलीव दिस, बंदे का लास्ट वर्ल्ड कप था, और उसने बोला था अगर मैं वर्ल्ड कप जीता तो इंटरनेशनल फॉर्मेट से मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, मगर उसने क्योंकि कहा था कि वर्ल्ड कप जीत गया तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मे बी लास्ट वर्ल्ड कप के लिए, मगर मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट ये इसका लास्ट वर्ल्ड कप था, और अब इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकता है। अगले वर्ल्ड कप तक उसकी 41 एज होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही हो जाती है एक प्लेयर के लिए, और
अभी 37 ईयर्स का है और उसे स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला, तो जब 4 साल के बाद 41 का होगा तो वो तो रिजर्व में भी बहुत मुश्किल से, और इवन मे भी नहीं स्क्वाड में भी नहीं हो। तो उसके बाद अब जो मेरी प्रेडिक्शंस है वो यही है कि भाई क्रोएशिया और अर्जेंटीना होने लगा सेमीफाइनल 1। तो आई थिंक यार अर्जेंटीना जा रही है यहाँ से, और उसके बाद अब दूसरा होगा मोरक्को का फ्रांस से। तो उसके बाद मोरक्को फ्रांस, मेरे ख्याल से फ्रांस चली जाएगी फाइनल में, और फ्रांस वर्सेज अर्जेंटीना होगा, फ्रांस वर्सेज क्रोएशिया अगेंस्ट। तो अगर फिर से फ्रांस और क्रोएशिया हो जाए तो 2018 का रिक्रिएशन हो जाएगा, जो कि काफ़ी यही मतलब क्रोएशिया को चांस मिल जाएगा बदला लेने का, और देखते हैं क्या होता है। और फ्रांस अर्जेंटीना में होता तो अर्जेंटीना को भी मौका मिल जाएगा उनसे बदला लेने का, जो कि राउंड 16 में 2018 के वर्ल्ड कप से निकले थे फ्रांस के हाथों। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब तो मैं मोरक्को को ही सपोर्ट कर रहा हूँ यार, अब यही बचे हैं, मैं एक मुस्लिम कंट्री जो इतना आगे गया, तो भाई अब जीत ही जाओ, अब क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मोरक्को और क्रोएशिया का फाइनल होगा, तो कोई सरप्राइज नहीं होगी जिस हिसाब से ये टीम आई है। क्रोएशिया 2 दफ़ा पेनल्टीज में गई है उनकी गेम, और दोनों दफ़ा वो जीते हैं, तो ये इंडिकेशन हो सकता है। और उसके अलावा मोरक्को हर टीम जो भी उनके सामने है उनको हराती हुई आई है, बेल्जियम हो गई, कोई भी हो गई, पोर्चुगल हो गई, कोई भी हो गई, उनको हराते हुए आए, तो मुझे कोई सरप्राइज में मुझे कोई शौक नहीं होगा। अब देखते हैं भाई, रोनाल्डो चला गया, यकीन नहीं होता यार लास्ट मैच था उसका। हमारी ज़िंदगी मजाक हो चुकी है, कैसे हम किसी के मजाक बनाए। टेक केयर बाबा, पीस आउट।